and geometry and this could be our last video on it because it mainly constitutes of practice which is the main part of maths as we know but uh, here also we have much more factors to consider the practice parts also um, includes the basic theory because we need the basic things on a variety level of questions okay so basic and the variety are very important for this chapter and uh, you will not get many, much hard questions in webc because uh, they are not uh, so high level okay but uh, you have to need uh, you need to uh, remember the formulas and all those and put it in the correct ways so in this video also we will uh, take few questions uh, and see some particular type of questions uh, so i think you can get the idea of it and also try to practice as much as you can and try to explore new questions, they are uh, very much needed for this chapter. So, let's get into it. Okay, so we are starting it, and here we are with our third question. Uh, as we know, we have done two questions in our previous lecture, and this is the third one. Okay, so let's start it, not wasting our time. So, what is the question? The question is the coordinate of the foot of perpendicular drawn from a point P to the line joining the points A 4 7 1 and B 3 5 3 is okay so यहाँ बोला गया है कि दो point हम लोगों को लेना है A और B ठीक है suppose ये है A ये है B A है फोर B सेवन वन बी है थ्री फाइव थ्री ओके मतलब सपोज ऐसा नहीं भी हो सकता है बी इधर भी हो सकता है मतलब कैसे भी हो सकता है पर हम लोग जस्ट देखना है कि हो क्या रहा है पहले तो ए और बी से हम लोग पहले एक डॉटेड लाइन रख रहे हैं जस्ट लाइन व्हिच कनेक्ट थे बट यहाँ पर कुछ बोला नहीं है कि आ, कोई लाइन ओके लाइन दिया है सो लाइन ज्वाइन अगर करें हाँ तो पहले हम लोग को डॉटेड लाइन ज्वाइन करना है ठीक है तो हम लोग को पहले एक लाइन मिल गया तो यहाँ पर बोला है पॉइंट पी सो पॉइंट पी कहीं पर भी हो सकता है मतलब यहाँ यहाँ कहीं पर भी तो हम लोग कॉन्सिडर कर रहे हैं कि यहीं पर है पॉइंट पी सपोज़ तो वन कॉमा ज़ीरो कॉमा थ्री ठीक है ये है पॉइंट पी मतलब कोई भी कॉम्बिनेशन तुम ले लो ए और बी और एक थर्ड पॉइंट पी ठीक है ऐसा यहाँ पर बोल रहा है तो हम लोगों ने ऐसा जस्ट रैंडमली ड्रा कर दिया हम लोगों ने देखा नहीं कि ज्योमेट्रिकली वो कहाँ पर है या नहीं वो एक्चुअली यहाँ पर ज़रूरत नहीं है ठीक है सो so, देखते हैं कैसे करते हैं सो येयर एज यू कैन सी द कोऑर्डिनेट ऑफ द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर ड्रॉन फुट ऑफ द परपेंडिकुलर बोला है ना तो यहाँ पर पहली बात क्या समझ में आता है हम लोग को परपेंडिकुलर ड्रा करना है और हमें एक लाइन दिया गया है तो क्या समझ में आता है वी हैव टू ड्रा परपेंडिकुलर ऑन दिस लाइन ए बी और परपेंडिकुलर ड्रा करते हैं और फ्रॉम पॉइंट पी ठीक है तो पॉइंट पी से एक परपेंडिकुलर ड्रा करना पड़ेगा हमें यहाँ से जो ऐसे आएगा ठीक है सो उसके बाद हम लोगों को क्या फाइंड करना है ये फुट ऑफ़ द परपेंडिकुलर फुट ऑफ द परपेंडिकुलर वो होता है जो इस लाइन ए बी को यहाँ पर कट कर रहा होगा बट टच कर रहा होगा या टच कर रहा होगा पॉइंट पी से जो लाइन एकदम परपेंडिकुलर इस ए बी लाइन के आ रहा है तो ये जो टच कर रहे हैं यहाँ पर सपोज ये है सी तो ये सी हमें निकालना है तो ये है फुट ऑफ द परपेंडिकुलर ठीक है तो तुम्हें लिख भी सकते हो कि सी इज इक्वल टू फुट ऑफ द परपेंडिकुलर ठीक है जब लिखोगे तो बाद में जब क्वेश्चन करोगे तब आसानी होगी तो लोग ऐसे यहाँ पर देख सकते हैं ऐसा है सो सपोज़ जो रेशियो में ये डिवाइड हुआ है ए भी जो रेशियो में डिवाइड हुआ है सपोज़ हम लोग उसको ले लेते हैं कोई भी रेशियो ले सकते हैं पर अगर हम कोई ऐसा रेशियो ले सपोज़ ए इज टू बी अगर ले ले आ, अगर ए ईस टू भी अगर ले ले तो बाद में हमें प्रॉब्लम होगा सो ए ईज टू भी हम यहाँ पर नहीं लेंगे ठीक है वो भी ठीक है पर हम लोग यहाँ पर नहीं लेंगे क्योंकि बाद में प्रॉब्लम हो सकता है ठीक है तो उसीलिए हम लोग यहाँ पर लेंगे एनी थिंग लेट सपोज लैमडा इज टू वन एक अगर हम लोग वन रख दें तो हम लोग को बहुत क्वेश्चन में वो बेनिफिट देता है तो, जब हम लोगों को ऐसे इंटरनल डिवीज़न या एक्सटर्नल डिवीज़न करना होगा हम लोग हर समय एक रेशियो वन लेंगे दूसरा फ्रैक्शन में आ जाए कोई प्रॉब्लम नहीं है ठीक है सो so, लेमडाइज टू वन ये है रेशियो तो उसके बाद हमें मिल रहा है कि हमें वो लाइन निकालना है ठीक है मतलब कोऑर्डिनेट निकालना है तो कोऑर्डिनेट निकालने से पहले हमें एक रेशियो चाहिए ना वो रेशियो हम लोग को ये लैमडा का वैल्यू निकालना होगा ठीक है अगर हम लोग ए भी यहाँ लेते तो हमें दो बार सॉल्व करना पड़ता है और यहाँ पर हमें एक बार करना पड़ रहा है एक तो एक तो यही बेनिफिट है आप देख देख ही सकते हैं यहाँ पर पर आ, ओके तो हम लोग पहले एक क्वेश्चन कर लेते हैं सो क्वेश्चन में आ, और क्या है कि हमें ये करना है सो so, पहले हम लोग क्या करेंगे डी हैव फूट द परपेंडिकुलर सो डी इज इक्वल टू ये इसका फार्मूला हमें याद है क्या होता है यहाँ इसका फार्मूला इंटरनल डिवीजन का जो फार्मूला होता है थ्री डी में वो क्या होता है वो होता है बी का एक्स पार्ट इंटू द आई मीन द रेशियो ऑन दिस वन दैट इज़ लैमडा इज़ टू वन वेफ टैकन सो दिस पार्ट इज़ लैमडा ठीक है ना तो लैमडा इंटू थ्री होगा एट फर्स्ट तो थ्री लैमडा प्लस यहाँ पर इंटरनल डिविशन हो रहा है तो प्लस होगा प्लस ए का एक्स पार्ट इंटू ये डिवीजन दैट इज़ वन सो कितना है फोर इंटू वन इज़ फोर सो हमें ये डिवाइड करना है इन दोनों को एड करके इंटरनल डिवीजन में ऐड होता है और एक्सटर्नल में सब्सट्रैक्शन होता है ओके सो लेमडा प्लस वन से डिवाइड कर दिए तो ये हमें डी का एक्स कोऑर्डिनेट मिल गया ठीक है ना तो उसके बाद हमें सिमिलरली सब बाकी सब कोऑर्डिनेट निकालना है आप निकाल लीजिए मैं भी निकालता हूँ एक साथ करते हैं तो ये होगा फाइव लमडा और प्लस सेवन बाय लेमडा प्लस वन सब में लमडा प्लस वन आएगा नीचे और यह होगा थ्री लेमडा प्लस वन बाय लेमडा प्लस वन ओके ओके तो ये हमें मिल गया डी का कोऑर्डिनेट, पर हमें यहाँ पर क्या लेमडा का वैल्यू पता नहीं है पर हमें इस फॉर्म से क्या पता चलता है कि हमें यहाँ पर जो मतलब ये आता है जो डायरेक्शन रेशियो हमें आ, मतलब हम जानते हैं कि डायरेक्शन रेशियो क्या है तो उससे हम ये निकाल सकते हैं ओके okay, सो so, मेरे से पहले गलती हो गया था कि मैंने यहाँ पर डी लिख दिया था सो इट विल बी सी ओके करेक्ट इट विल बी सी सी इज टू ये मिल गया तो हमें क्या चाहिए अब अब हमें डायरेक्शन रेशियो निकालना है पी का ठीक है तो हम लोग नेक्स्ट पेज में जाते हैं सो so, हमें क्या मिला था जो C का कोऑर्डिनेट था वो हम लोग यहाँ पर एक बार लिख देते हैं C इज़िकल टू क्या था कोऑर्डिनेट? थ्री लेमडा प्लस फोर डिवाइड बाई लेमडा प्लस वन फाइव लेमडा प्लस सेवन फाइव लेमडा प्लस सेवन डिवाइड बाई लेमडा प्लस वन एंड व्हाट वाज देयर It was 3 lambda plus 1 Okay. So और P का coordinate क्या था P का coordinate हम लोगों को पता है वो क्वेश्चन में दिया हुआ है That is one zero three, one comma zero comma three. Okay. So हम लोग कोई भी अगर डायरेक्शन uh, रेशियो निकालते हैं तो हम लोग क्या करना पड़ता है ये जो x ये अगर x1 है ये x2 है तो x1 वन माइनस एक्स करके हम लोग को देखना पड़ता है तो क्या हम लोग करेंगे कि c का जो x1 है और p का जो x1 है वो सबोर्ट करेंगे और सिमिलरली बाकी सब भी ठीक है तो क्या मिलता है हमें डायरेक्शन रेशियो डी सी ऑफ पी सी ओके तो वो मिलता है हमें थ्री लेमडा प्लस फोर बाई लैमडा प्लस वन माइनस वन कॉमा ज़ीरो से माइनस करेंगे तो फाइव लेमडा प्लस सेवन बाई लेमडा वन ही रहेगा और दूसरा वाला हो जाता है थ्री लेमडा प्लस वन डेड बाई लेमडा प्लस वन माइनस थ्री ठीक है ना सो इसका सॉल्यूशन आएगा टू लेमडा प्लस थ्री डिहाइड बाई लैमडा प्लस वन कॉमा फाइव लेमडा प्लस सेवन बाई लेमडा प्लस वन कॉमा ज़ीरो लेमडा और यहाँ पर माइनस टू राइट तो डिड बाई लेडा प्लस वन भी हाँ तो ये हम लोगों को मिल गया डायरेक्शन रेशियो सॉरी डायरेक्शन uh, रेशियो रेशियोशन कुछ है डायरेक्शन रेशियो डी आर डी आर ऑफ पी सी हाँ ओके सो यह हमें मिल गया यहाँ पर अब डायरेक्शन रेशियो से हमें निकालना है ये पार्ट कि क्या निकालना था हाँ सॉरी वो गलत हो जाता है क्योंकि क्वेश्चन में थोड़ा ज़्यादा कंफ्यूजिंग अगर हो जाए हाँ तो हमें यहाँ से निकालना है कि कोऑर्डिनेट क्या क्या होता है तो हमें क्या दिया गया है कि ये परपेंडिकुलर है पी और ये यह यहाँ पर हम लोगों फिर से समय यहाँ हाँ ये यह तो टी होगा हाँ पी और सी यहाँ पर ए और बी ये परपेंडिकुलर होता है ना तो ये एकदम बेसिक कॉन्सेप्ट जा रहा है मेन चीज़ जो पहला तो क्या है ये डायरेक्शन रेशियो वाला और सेकंड वाला क्या है कि परपेंडिकुलर में अगर डॉट प्रोडक्ट ज़ीरो होता है तो हम लोग इसका जो डायरेक्शन रेशियो है वो शायद यहाँ भी इस साइड भी हो सकता है इस साइड भी हो सकता है पर कोई एक साइड होगा और इसका यह है तो आ, मतलब हम लोगों ने क्या क्या सी माइनस पी किया तो पी सी हो गया जो भी हो कोई भी डायरेक्शन एक ले रहे हैं हम तो वो 90 डिग्री में है सो so उसका डॉट प्रोडक्ट डायरेक्शन रेशियो का जीरो आएगा तो हम लोग वही करेंगे इसका ए बी का जो डायरेक्शन रेशियो है वो हमें निकालना पड़ेगा आप दो पॉइंट देखिए उसके बाद उनका डायरेक्शन रेशियो निकालिए मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ ऑफ ए बी क्या आ रहा है वो फोर माइनस थ्री वन एंड सेवन माइनस फाइव टू एंड दूसरा क्या है वन माइनस थ्री राइट वो भी माइनस टू सो हमें डायरेक्शन रेशियो मिल गया ए बी का मतलब कोई भी डायरेक्शन हम लोग ले रहे हैं वो फ़र्क नहीं पड़ेगा मैं बाद में बता दूंगा क्यों नहीं हो रहे ठीक है मतलब उसके बाद आ, क्या आता है कि हम लोग इन दोनों को डॉट प्रोडक्ट करेंगे सो so, यहाँ से इसको मल्टीप्लाई करेंगे डॉट प्रोडक्ट तो हमें पता है ना कि ये x1 y1 z1 है और ये x2 y2 z2 है तो हम लोग डॉट प्रोडक्ट कैसे करते हैं x1 वन इंटू एक्स टू वाई वन इंटू वाई टू और जेड वन इंटू जेड टू सबको ऐड कर देते हैं इजिकल टू ज़ीरो क्योंकि ये कॉस्ट प्रोडक्ट में ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन ज़ीरो होगा क्योंकि कॉस्ट नाइन्टी ज़ीरो होता है आई मीन डॉट प्रोडक्ट में कॉस्ट नाइनटी जीरो होता है तो उसी उनका प्रोडक्ट भी ज़ीरो होगा ठीक है ना सो so, वहाँ से हम लोग देख पाते हैं कि मल्टीप्लाई करके क्या आता है सो टू लेमडा प्लस थ्री हम लोग ये लेमडा माइनस वन कॉम लेमडा प्लस वन कॉमन ले रहे हैं क्योंकि वो वन से मल्टीप्लाई होने के बाद uh, मतलब वन से मल्टीप्लाई नहीं होगा या कोई भी नंबर से मल्टीप्लाई यहाँ पर नहीं होगा होगी डिनोमिनेटर खाली है so, यहाँ पर सो लेमडा प्लस वन ये यहाँ पर ज़ीरो होगा इक्वल टू तो यहाँ पर क्या आ रहा है टू लेमडा प्लस वन इंटू वन सो हम लोग छोड़ दे रहे हैं इसको प्लस फाइव लेमडा प्लस सेवन इंटू टू सो क्या होता है टेन लेमडा प्लस फोर्टीन ठीक है ना और प्लस माइनस टू इंटू माइनस टू दैट इज़ फोर सो हमें यहाँ पर जो मिला वो है कि ये यह मल्टीप्लाई यहाँ पर हो हो के ज़ीरो आ जाएगा सो so हम लोग इसको नेक्स्ट स्टेप में हटा देंगे तो ये आता है टू लेमडा प्लस टेन लेमडा ट्वेल्व लैमडा ट्वेल्व लैमडा फोर प्लस थ्री सेवन सेवन और एट ट्वेंटी वन इज इकल टू माइनस ट्वेंटी वन राइट सो लेमडा इज इकल टू माइनस ट्वेंटी वन बाई ट्वेल्व सो दैट इज ऑल्सो इकल टू माइनस सेवन बाई फोर ठीक है तो आप लोग देखिएगा क्वेश्चन का फर्स्ट में मैंने जो ऑप्शन दे दिया था वो असल में लैमडा का वैल्यू था तो लैमडा का वैल्यू हम लोग देख सकते हैं माइनस फोर सेवन बाई फोर है तो आंसर उसी हिसाब से अब, अब कर लीजिए पर हमें यहाँ पर मेनली निकालना क्या था मैंने ऑप्शन थोड़ा गलत दे दिया था वो थोड़ा मिस्टेक हो गया पर फिर भी लैमडा का वैल्यू मैंने दे दिया था पर लेमडा का वैल्यू भी हमें मेनली निकालना है यहाँ पर आ, हम लोग इसको दूसरे प्रोसेस से भी कर सकते हैं पर वहाँ पर लेमटा का वैल्यू नहीं निकलेगा सो so, उस समय ये गलत हो सकता है पर इस प्रोसेस में हमें लेमटा का वैल्यू चाहिए सो so, उस हिसाब से माइनस सेवन बाई फोर इसका आंसर होगा बट उसके बाद हमें लेमडा uh, का वैल्यू जो सी वाला पॉइंट है यहाँ पर इसमें पुट करना है तो हमें आंसर निकल जाएगा सो so, मैं ये आपके ऊपर छोड़ता हूँ आप वो कर लीजिए और इसमें कोई सब्सिट्यूशन में कोई प्रॉब्लम होना नहीं चाहिए अगर उसमें भी प्रॉब्लम है तो आपका बेसिक्स क्लियर नहीं है सो so, आपको बेसिक्स क्लियर करना पड़ेगा ठीक है तो लैमटा का वैल्यू फाइनली आया माइनस सेवन बाई फोर ये यहाँ तक आप देख लीजिए कोई भी प्रॉब्लम हुआ तो कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बोलिएगा ठीक है तो हम लोग जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में सो वी आर विथ आर फोर्थ क्वेश्चन तो ये क्वेश्चन थोड़ा इंटरेस्टिंग है क्यों इंटरेस्टिंग है क्योंकि ये मतलब उतना ईजियर टू थिंक नहीं है ठीक है ना उतना आसान नहीं होगा सोचने के लिए पर करने में आसानी है सो so, पहले क्या करना है कि हमें क्वेश्चन ठीक से पढ़ना है क्या लिखा है अ पॉइंट मूव सो दैट द सम ऑफ इट्स डिस्टेंस ठीक है सम ऑफ द डिस्टेंस बोला है एक पॉइंट मूव कर रहा है कहाँ से द पॉइंट्स फोर कॉमा जीरो कॉमा जीरो एंड माइनस फोर कॉम जीरो कॉमा जीरो रिमेन्स टेन ठीक है ना तो एक पॉइंट कोई भी लेंगे इमेजिनरी नंबर कोई है मतलब इमेजिनरी पॉइंट कोई है तो वहाँ से आ, इन दोनों पॉइंट का जो डिस्टेंस का सम होगा वो टेन होगा ठीक है ना मतलब कोई कोई भी दो पॉइंट हम लोग ले रहे हैं ये दो पॉइंट फिक्स्ड हैं इन दोनों से कोई भी एक पॉइंट यहाँ पर हो सकता है यहाँ पर हो सकता है यहाँ पर हो सकता है यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ ये दोनों का जो सम है ये सपोज एक्स है ये वाई है तो एक्स प्लस वाई इजल टू तो टेन होगा हमेशा ठीक है ना तो ये असल में एक चीज़ फॉर्म करता है वो हमें यहाँ पर निकालना है कैसे फॉर्म करता है पर आपको शायद ये पता होना चाहिए अगर आपने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में ये क्या होगा तो मैं आपको अभी बोल नहीं रहा हूँ क्या आंसर है इसका और प्रीवियस क्वेश्चन में जो हम लोगों ने किया नंबर थ्री में जो किया तो उसका भी और एक सोल्यूशन हो सकता है आप सोचिए और अगर आप कर पाए तो हम लोग का टेलीग्राम ग्रुप में ज़रूर सेंड कीजिएगा ठीक है ना सो so, ये जो क्वेश्चन है इसमें एक्स प्लाई एक्स प्लस वाई टेन हो रहा है तो इससे हमें क्या पता चल रहा है ये असल में एक किसका इक्वेशन होता है ऐसा ऐसा इक्वेशन इसमें होता है हमें ये सोचना पड़ेगा हम लोगों ने ये पढ़ा है मतलब टू में पढ़ा है पर ये थ्री में अभी तक नहीं किया गया है सो so, थ्री में सेम चीज़ होता है हम लोग उसी लिए पूरा डेराइव करेंगे हम लोग डायरेक्टली कुछ नहीं लिखेंगे सो so, असल में ये एक इलिप्स का इक्वेशन होता है ठीक है सर्कल तो ये हो नहीं सकता कोई सर्कल में आ, ऐसा नहीं हो सकती कि दो पॉइंट को वो आ, मतलब आ, फिक्स रख के उसके ऊपर बेसिस से कुछ करेगा वैसा कुछ नहीं होता सर्कल में सर्कल में सिर्फ़ एक फिक्स पॉइंट रहता है और रेक्टेंगल रेक्टेंगल तो होने से रहा वो तो आप समझ ही रहे हैं देखने से मतलब डेरिवेशन है पर वो चाहिए नहीं हम लोग को अभी तो उसके बाद क्या होता है कि ये सर्कल तो नहीं हुआ तो सर्कल के बाद क्या हम लोग सोचेंगे हाइपर वाला तो डायरेक्टली नहीं जाएगा ना पहले हम लोग सर्कल के बाद इलिप्स सोचेंगे तो इलिप्स में हम लोग देखेंगे कि उसका फार्मूला यही होता है ना कि ऐसे कोई इलिप्स ड्रा किया उतना अच्छा ड्राॅइंग हुआ नहीं बट स्टिल ये दो हुआ तो इससे जो डिस्टेंस होता है ऐसा ऐसा जो डिस्टेंस होता है इनका सम हर समय सेम रहता है मतलब ये अगर ऐसा भी हुआ एकदम परपेंडिकुलर जब है यहाँ से तब भी जो होगा और एकदम ऐसा जब हो तब तो ये वाला डिस्टेंस प्लस पूरा ये वाला उनका सम सेम रहेगा तो ये इलिप्स का इक्वेशन आना चाहिए देख रहे हैं आप ऑप्शन में भी, भी इलिप्स जैसा इक्वेशन दिया है पर ये तीन दिया है मतलब क्वाड्रेंट तीन है तो क्योंकि हम लोग सी कर रहे हैं सिंपल बात है ना तो उसके बाद हम लोग देखेंगे कि ये कैसे करते हैं ठीक है तो यहाँ पर बेसिक चीज़ है कुछ मतलब ज़्यादा सोचने की बात नहीं है यहाँ पर ये तो रफ़ था ऐसे ही तो थोड़ा फेयर में करते हैं दो पॉइंट दिया है ना तो दो पॉइंट एक है माइनस फोर कॉमा ज़ीरो कॉमा ज़ीरो एक है फोर कॉमा ज़ीरो कॉमा ज़ीरो जब भी पॉसिबल हो आपका आप पॉडल में आप जब भी ड्रॉ कर पाए आसानी से तो कर लीजिएगा वो बहुत प्रॉफिट देता है मतलब तो वो लोग क्वेश्चन ही ऐसे सेट करते हैं कि आप ऐसे करके उन लोगों को मतलब ऐसा करके सॉल्व कीजिएगा वो मतलब क्वेश्चन में ऐसा इजी uh, वाला नंबर उसी ले देते हैं नहीं तो वो लोग नहीं देंगे ऐसा नंबर कि माइनस फोर फोर दे दिया ऐसा तो क्योंकि उन लोगों को पता है अगर ऐसा देंगे तभी आप uh, ये ऐसा सिमेट्रिकली ड्रॉ करेंगे <laughs> जो भी हो ये सिमेट्रिकल हुआ नहीं बट स्टिल मतलब आस पास तो हुआ वही चाहिए हम लोगों को तो इसके बाद हमें करना है कि कोई भी पॉइंट हम लोग ले लें सपोज ये पॉइंट लिया हाँ मैं ये स्ट्रेट लाइन नहीं करने वाला क्योंकि और भी बहुत सारे पॉइंट हैं यहाँ पर मतलब यहाँ पर देखिए फोर से आ, मतलब यहाँ से यहाँ जाएंगे तो यहाँ पर अगर जाए तो ये टोटल डिस्टेंस हो गया ना तो ये और यहाँ पर अगर पॉइंट रहे तो ये टोटल डिस्टेंस तो ऑब्वियसली वो सेम नहीं होगा एक ट्राइंगल का फॉर्मूला ही वो हमें बता देता है तो स्ट्रेट लाइन तो होने से रहा यहाँ पर तो कोई भी इस लाइन में भी एक पॉइंट दो पॉइंट आएगा तो वो हम लोग स्पेशल केस हो गया ना तो वो नहीं ले रहे हैं अभी तो दूसरा कोई पॉइंट सपोज यहाँ पर पी है एक्स वन वाई वन जेड वन कॉमा भी दे देता है आ, और एक्स वाई जेड ही ठीक है एक्स वन का क्या जरूरत है एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड ठीक है तो ये भी नहीं चाहिए तो इसका जो डिस्टेंस है तो हम लोग क्या करेंगे दो पॉइंट का डिस्टेंस हमें कैसे निकालते हैं तो अंडर रूट एक्स वन माइनस एक्स टू का स्क्वायर प्लस अंडर रूट सॉरी प्लस मतलब रूट के अंदर ही वाई टू माइनस वन का स्क्वायर प्लस जेड टू माइनस जेड वन का स्क्वायर तो ठीक है ना मतलब रूट एक्स टू माइनस एक्स वन का स्क्वायर प्लस वाई टू माइनस वाई वन का स्क्वायर प्लस जेड टू माइनस जेड वन का स्क्वायर मतलब कोई भी मतलब जेड वन माइनस जेड टू या वाई वन माइनस वाई टू कोई भी कर सकते हैं आपकी मर्जी तो वो इन दोनों को पॉइंट का डिस्टेंस क्या होता है और इन दोनों को पॉइंट का डिस्टेंस क्या होता है वो हम लोग सिर्फ निकालेंगे और इजिकल टू टेंट कर देंगे सिंपल बात वही बोला है पर बात सिर्फ इतनी है कि पहले से हमें कोई ऑप्शन अगर मिल जाए कि कोई लाइन का इक्वेशन है कोई सर्कल का इक्वेशन है कोई इलिप्स का इक्वेशन है तो कौन सा होगा हम कैसे डायरेक्टली समझ पाएंगे तो उसी लिए मैं बोल रहा हूँ कि आ, ये स्पेशल केसेस में भी आपको थोड़ा आईक्यू लगाना पड़ेगा यहाँ पर मतलब अब ये मत बोले कि आई क्यू नहीं है ऐसा होता नहीं है आई क्यू डेवलप किया जा सकता है कोई भी कर सकता है प्रैक्टिस से बहुत ज़्यादा होता है ठीक है ना मैथ्स में प्रैक्टिस से बहुत आई क्यू जनरेट हो जाएगा आपको अच्छे से सोचना पड़ेगा इस क्वेश्चन में तो वैसे ही यहाँ पर अगर ऐसा रहा कि सर्किल रहा स्ट्रेट लाइन रहा लिप्स रहा हाइपर बोला रहा तो आपको अगर उसका आ, कैसा होता है या नहीं अगर वो पता हो तो हो जाएगा मतलब थ्री डी में हाइपर बोला मैं मैं नहीं बोल रहा हूँ अभी हाईवर बोला छोड़ के बाकी सब तो आप समझ पाओगे मैं बोल रहा हूँ लगभग सिमिलर होते हैं बट उतना तो आपको देखना पड़ेगा वैसा स्पेसिफिक क्वेश्चन आता नहीं है पर स्टिल तो हम लोग नेक्स्ट पेज में जाते हैं और ये डिस्टेंस ये ऐड करके इक्वेट करते हैं फिजिकल टू टेन में तो देखते हैं क्या होता है सो so, हम लोगों को क्या करना है कि दो डिस्टेंस एड इक्वल टू 10 करना है ना सो so, देखते हैं हम लोग करके देखते हैं वो क्या आता है अंडर रूट आपने शायद लिख लिया होगा कॉपी में पहला वाला तो उससे देख के कीजिए आसान होगा तो एक्स माइनस फोर का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर वो सिंपल फार्मूला है जो पहले हम लोगों ने यूज़ किया था वही यूज़ कर रहे हैं तो एक्स प्लस फोर और स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर वही था ना फोर जीरो ज़ीरो माइनस फोर ज़ीरो ज़ीरो तो उसी हिसाब से ये होता है तो इजल टू टेन तो हम लोग क्या करेंगे इसमें कि हम लोग यहाँ पर पहले आ, क्या कर सकते हैं हम स्क्वायरिंग बहुत साइड कर सकते हैं स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए भी हो जाएगा ए वाला और ये हंड्रेड हो जाएगा तो पहले हम लोग स्क्वायर ऑन बहुत साइड्स कर लेते हैं और ए स्क्वायर भी हम लोग तोड़ देंगे अभी ओके ये स्क्वायर होके ये स्क्वायर रूट उठ गया ठीक है ना तो उसके बाद सिमिलरली यहाँ पर भी स्क्वायर रूट उठ गया स्क्वायर कर दिया हम लोगों ने ए का होल स्क्वायर हो गया इसका भी स्क्वायर हो गया हम मैं यहाँ पर लिखी देता हूँ इसका स्क्वायर कर रहे हैं तो ये यहाँ पर स्क्वायर आ गया है स्क्वायरिंग साइड्स वही वाला तो Okay, so प्लस टू इंटू whole अंडर रूट whole अंडर रूट लेंगे हाँ होल अंडर रूट ले लेते हैं डायरेक्टली सेकेंड पैकेट दे देंगे एक्स माइनस फोर का स्क्वायर ओके हाँ प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इंटू इंटू है यहाँ पर ठीक है Mm, x प्लस फोर का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू हंड्रेड सो कुछ नहीं जस्ट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए भी किया और कुछ नहीं है तो उसके बाद हम लोग जस्ट एक्स माइनस फोर का होल स्क्वायर और एक्स प्लस फोर का होल स्क्वायर को तोड़ेंगे तो हेयर विल गेट एज टू एक्स स्क्वायर ऐड भी कर देंगे डायरेक्ट ठीक है ना सो प्लस फोर फोर से सिक्सटीन इंटू टू टू टाइम्स है तो थर्टी टू और वाई स्क्वायर हो गया टू वाई स्क्वायर प्लस टू जेड स्क्वायर सब टू वाला आ गया और यहाँ पर टू ए बी का पार्ट करेंगे सो टू इंटू अंडर रूट अंडर रूट तो बारा कर दिया ठीक है ना सो पहले ब्रैकेट वाला खोल लेते हैं हम क्या आता है देखते हैं एक्स स्क्वायर प्लस सॉरी माइनस एट है वी देट इज़ एट एक्स प्लस सिक्सटीन ब्रैकेट क्लोज़ नहीं होगा सॉरी वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर फिर से ये वाला ब्रैकेट एक्स स्क्वायर माइनस सॉरी प्लस एट एक्स प्लस सिक्सटीन प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर टू हंड्रेड ठीक है तो so, इसके बाद हमें ऐसे ही इसको पूरा सॉल्व करना पड़ेगा और ये रूट अंडर रूट आपको जो देख रहे हैं बड़ा सा अंडर रूट वो असल में हट जाएगा अभी थोड़ी देर बाद ही तो पहले हम लोग इसको ये थर्टी टू को ना इस साइड ले जाएंगे तो मैं पूरा लिख नहीं रहा हूँ मैं जस्ट uh, ये वाला कर रहा हूँ कि टू एक्स स्क्वायर प्लस टू वाई स्क्वायर प्लस टू जेड स्क्वायर प्लस टू अंडर रूट जो है इक्वल टू हंड्रेड माइनस थर्टी टू मतलब टाइम बचाने के लिए एग्जाम में आप कुछ भी कर सकते हैं पर कुछ गलत मत कर दीजिएगा वही मेन चीज़ है ठीक है सो so, ये कितना आता है ये आएगा आपका सिक्सटी एट ओके तो सिक्सटी एट आएगा उसके बाद से ये टू कॉमन लेके हम लोग यहाँ पर डिवाइड भी कर सकते हैं तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस अंडरवुड में जो है ठीक है so, सो ये थर्टी फोर आया थर्टी फोर ठीक है अब हमें ये रूट वाला सॉल्व करना है पर सॉल्व करने से पहले हमें देखना पड़ेगा कि अंडर रूट में आता क्या है और नहीं तो हम लोग सॉल्व नहीं भी कर सकते हैं ठीक है ठीके? वो भी किया जा सकता है चलिए पहले सॉल्व ना करके देखते हैं अगर आ जाए तो फिर से स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करते हैं तभी तो हो जाना चाहिए ना तो उस हिसाब से था एट स्ट्राइट तो थर्टी फोर को यहाँ लाते हैं सो इफ़ यू बिंग थर्टी फोर ऑन दिस साइड वेट इट एस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस सेड स्क्वायर प्लस थर्टी फोर ठीक है सो क्या किया जा सकता है यार yeah. सो so, हम लोग यहाँ पर कर सकते हैं कि हम लोग यहाँ पर इसको स्क्वायर कर दिए और अंडर उड में जो था वो हम लोग इस बार लिखेंगे हाँ इस बार और स्कीप नहीं कर सकते ये थोड़ा दे देते हैं ये तो स्टेप समझ में प्रॉब्लम में होगा तो अंदर रूप अंदर क्या था वो स्क्वायर कर दिया तो रूट हट गया तो ये आता है एक्स स्क्वायर माइनस एट एक्स प्लस सिक्सटीन प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एट एक्स प्लस सिक्सटीन प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर ओके, okay. सो so, ये हमें मिल गया तो हम लोग इसको कैसे तोड़ेंगे इसको ए सोचेंगे इसको बी सोचेंगे दो नंबर उसका स्क्वायर करेंगे तभी होगा फोर नंबर का स्क्वायर हमें चाहिए नहीं है अभी तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर उसका होल स्क्वायर करेंगे प्लस टू ए भी होता है सिक्सटी एट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर ठीक है ना अब देखिए हम लोगों को कॉमन टर्म मिलने लगा है और इस, आ, प्लस थर्टी फोर स्क्वायर ओके सो यहाँ पर हमें एक प्रोसीडियोर मिल सकता है जिससे वो आसान होगा दैट इज़ इस एट एक्स को हम लोग अलग कर देंगे और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस सिक्सटीन करेंगे जो वो हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्म में ओके लेट्स डू इट Uh, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर प्लस फोर स्क्वायर और उसके साथ प्लस एक्सटीन तो दोनों तरफ है तो इसको भी हम लोग ले लेंगे और इसके बाद माइनस एट एक्स करेंगे हाँ इससे आ जाएगा माइनस एट एक्स और दूसरा क्या है मल्टीप्लाइड वाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस फोर स्क्वायर प्लस एट एक्स अब ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ऐसा फॉर्म में हमें ये मिल जाएगा ठीक है तो मैं ये इक्वल टू वाला इस साइड लिख देता हूँ क्या होगा तो ये आएगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर plus 4 square so it's whole square minus 64 x square as so now we will write the equation once again here so the equation was uh, on the LHS we had uh, x square plus y square plus z square uh, plus not anything plus now s whole square of this one then uh, we had one another part that is 68 into x square plus y square plus z square plus 34 whole square which is equal to we have the RHS as x square plus y square plus z square plus 16 square sorry 16 minus 64 x square okay this a square minus b square we form what okay now let's break down this rhs form once more that would be x square plus y square plus z square this one is a plus b whole square so a square plus b square plus 2 into that is 32 right uh, x square plus y square 0 square minus 64 x square okay so now we are taking everything on the lhs okay so on LHS now we would have this will get cut this one and this one so we would have minus 100 x square plus y square plus z square and plus 34 square minus 16 square plus 64 x square and one more term, I guess. No, we don't have any more. We got this two. this one is cut, this one is also cut. We got this one, and this one is honest with this one. And this different, yeah. We got everything now. See, this is equal to zero. So, to simplify it, we will just divide everything by four. See, everything is divisible by four. Okay, so just simplifying it, nothing else. Minus twenty-five x squared plus y squared, plus z square plus seventeen whole square minus h square. See, if you have any problem in doing these sums, then please uh, write in the comment section. It will be very helpful for me to understand that where you are facing the problem. Okay, because if we don't uh, say then we don't have any direct interaction, also that we can understand which is problematic more and which is not right. So, here is the equation okay, this one would be 289 minus 64, that is plus 225. Equal to zero, so in the options, I don't think we have any such options with this or anything with multiplied by minus one. Also, I don't think so. The option would be none of this. Okay, so answer is D none. Okay, so this is the next question. This says that. The value of lambda for which the straight line x minus lambda by 3 is equal to y minus 1 by 2 plus lambda is equal to 0 minus 3 by 1 may lie on the plane x minus 2y is equal to 0. So it is saying that a line is lying on a plane. Okay, so any plane, let's consider this as a plane and this as a line. So if this line is on this plane, let's do it in a 3D way, then you can understand it properly. Okay, so this is a line, suppose, and this is a normal. See the direction what it makes. It's 90 degree, right? With the direction ratios of this line, it will make a, a angle of 90 degree, right? So the normal, if we get the equation of the normal and the direction ratios. We can just multiply it and get uh, the, the multiplication result as 0. So, from there, we get one equation. Okay, so what is the direction ratio of this line? The direction ratio of this line can be found out very easily. Okay, so that is uh, nothing else than this one 3, 2 plus lambda, and minus 1. We can, uh, we know it, right? from any equation of the line given as this, we can find out the direction issues as the denominators, as 3, 2 plus lambda and minus 1 here, respectively, for each axis or each coordinates. so just write it down. this question is a bit easier one, but type is different, so you just need to think about it. as you know, as i have told you also, दैट वी नीड टू थिंक हमें सोचना पड़ेगा कि ये होता कैसे है मतलब हो तो जाएगा आसान है पर सोचने का बात मेन है यहाँ पर तो ये डायरेक्शन रेशियो ऑफ लाइन क्या है थ्री कॉमा टू प्लस लमडा कॉमा माइनस वन सो दीज आर द डायरेक्शन रेशियोज ओके सो आफ्टर वी गेट द डायरेक्शन रेशियोज वट वी नीड द नेक्स्ट वन We need the normal the normal of the plane so how we are going to find the normal of the plane we know the equation of the uh, for any equation of the plane the it is x uh, x plus y plus z uh, i mean x i k plus yj plus zk cap into uh, the normal so i mean dot product is equal to 0 like that only we get the equation of the normal so is equal to what we have x minus 2 y okay so this is equal to 0 and x minus 2 y is equal to also 0 okay let's, let's write it down equal to 0 we have two different equation this is not cross not multiplication okay so this is two different equation one and this is two from two equations we are getting that this part this part would be equal to this part so for that we need a vector n that is a normal so for finding that normal what we need uh, any number which would be multiplied oh, any sorry, any vector which would be multiplied with this one and give us the value of this one. So now, n vector gives uh, let's give uh, the n vector a value of suppose, not suppose, let's see x into what gives us x that's one, so one i cap and y into what gives us minus 2 that is minus 2 j cap and z into 2 what gives us 0 that is 0 so that is not needed here so 1 i cap minus 2 j cap that is what we need here so this is the n vector or the normal vector okay so we have this one so respectively we will multiply 3 with 1 that is Three into one we are doing the dot product. This is one. Sorry, this is four, let's suppose this is five. This is nothing else than equation four dot equation five. Just doing the dot product taken. So three into one plus 2 plus lambda into 2 uh, sorry minus 2 it is is equal to is equal to what it would be 0 because the dot product must be 0 so 3 minus it is minus 2 so minus 2 into 2 is it is minus 4 minus 2 lambda is equal to 0 so from here we get minus 1 is equal to 2 lambda or lambda is equal to 1 by minus 1 by 2. So this is the hello. So this was an easy question, but here only this part, only this part would have given us the answer. Now finding this normal is very very easy. When we are in practice, this is very easy, and also by just seeing the equation only we can find the direction ratio. So this was the easy question, but uh, the visualization was the main. Okay. So as I told you, basic concept is very much needed in uh, 3D. So

We are finished up with uh, 3D and 3D geometry now. And if uh, more questions are needed to be practiced like this in a video, then please uh, um, give the question in our group so that I can make a video on it. And I don't think you need any more videos, I think you need much, much more practice. If you have any doubt, then please. Uh, give it in the group so that we can deal into it okay thank you and best of luck